सिर्फ बंदरों की है और किसी को इजाजत नहीं। लेकिन मैं भी तो एक बंदर ही हूँ। फिर तो मैं खाती हूँ जो पेड़ों पर चढ़ता है, जाओ कहीं और जाकर खेलो। लेकिन देखो मैं सच में एक असली बंदर हूँ। गुड बाय। क्या मैं तुम्हें बजाते हुए देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि बंदर नहीं चाहते कि उनकी म्यूजिक पार्टी में कोई भी और आए। मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा बजा लेते हो। ये तो मेरे खून में है, मैं हमेशा से ही अच्छा बजाता हूँ। लेकिन तुम भी अच्छा डांस करते हो। तुम अच्छा बजा लेते हो और मैं अच्छा गा लेता हूँ। शायद हम मिलकर एक म्यूजिक पार्टी कर सकते हैं जो एकदम धमाल हो। अच्छा आइडिया है, लेकिन उसके लिए 2 से ज्यादा लोग लगेंगे। हेलो मोगली। हेलो रेकी। अच्छा बजा रहा है ना? हाँ, लेकिन वो शेर खान का दोस्त है इसलिए इतना भी अच्छा नहीं बजाता। लेकिन ये पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, साथ म्यूजिक बजाएगा और कुछ नहीं। हेलो जबाकी, तुम जैसे जानवरों की जरूरत है जो हमारे साथ आके म्यूजिक बजा सके। कोई होशियारी नहीं, तुम शेर खान के दोस्त हो और। ओ, वो तो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसके लिए काम करता हूँ बस। मेरे लिए सबसे पहले म्यूजिक है। तो फिर चलो म्यूजिक बनाते हैं। तुम्हारा प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, मैं तो बस उनके साथ म्यूजिक बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम मजाक कर रहे हो। अगर शेर खान को पता चला कि तुम मोगली से दोस्ती कर रहे हो, तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। पर उसे तो पता ही नहीं चलेगा। फिर मुझे उसे बताना ही पड़ेगा। तो, लेकिन नहीं, प्लीज उसे कुछ मत कहना। मैं उस इंसान के बच्चे को पकड़ने के लिए कुछ भी करूँगा। यही अच्छा होगा। क्यों ना हम बाकी को सरप्राइज दें और जाकर कहीं दूर रिहर्सल करें। हाँ, अच्छा आइडिया है, लेकिन कहाँ? जैसे कि ठंडी गुफा और मांड के बीच। मतलब शेर खान के करीब है ना? ओह हाँ, ये सच है कि वो ज्यादा दूर तो नहीं है वहाँ से। मुझे लगा हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ आवाज बहुत अच्छी आती है। आवाज बहुत जरूरी है और मुझे उसके लिए एक शानदार जगह पता है। चलो रिहर्स करने के लिए ये जगह सही है, हमें बस इसे थोड़ा सा साफ करना होगा। मोगली के लिए जाल बिछाओ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये सही मौका नहीं है। देखो हमने एक समझौता किया है। एक समझौता मोगली के साथ? शेर खान को कैसे लगेगा जब मैं उसे तुम्हारे नए दोस्तों के साथ इस संगीतमय समझौते के बारे में बताऊंगा? तुम्हें लगता है तुम इतनी ताकतवर हो जो इस पत्थर को हिला सको? तुम इसे किस पर गिराना चाह रहे हो? क्या मैं मेरी पीठ में खुजली थी तो मैं इसे खुजा रहा था। तुम दोनों यहाँ पर कैसे? क्या तुम दोनों को गाना गाना आता है? हाँ, क्यों ना तुम मोगली के ग्रुप में शामिल हो जाओ। मोगली ग्रुप बना रहा है गाने का? हाँ, क्यों नहीं। तो क्या हम कोशिश करके देखें सब एक साथ? सांप और भालू होते एक जैसे, सारा दिन धूप में रहते पड़े। चाहे होते इसके कान बड़े, हाथी को कुछ न सुनाई दे। मैं मानता नहीं ये बात है सही, नाचने के लिए हूँ अकेला काफी। बंदर जाने कैसे पार्टी करते हैं, अच्छा डांस और गाना गाते हैं। सर हिलाते हैं, ताल पे नाचते हैं, बंदर जाने कैसे पार्टी करते हैं। कहते हैं बंदर झूलते हैं और ताल तो उनके खून में है। म्यूजिक का राजा उन्हें कहते हैं, दूसरे एनिमल्स पानी भरते हैं। मैं मानता नहीं ये बात है सही, चलो नाचे अब बस तुम और मैं भी। बंदर जाने कैसे पार्टी करते हैं, अच्छा डांस और गाना गाते हैं। सर हिलाते हैं, ताल पे नाचते हैं, बंदर जाने कैसे पार्टी करते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ कोई और भी है जो हमारे अलावा बंदरों की हरकतें करता है? वो काफी हुनरमंद भी है। वो बस नकचड़ी है, हम ही ये काम अच्छे से कर सकते हैं। वो पहले ही हमारे सब कामों की नकल करते हैं और अब हमारा संगीत भी चुरा रहे हैं। Well, अगर ये अच्छा है तो सिर्फ तब तक अच्छा है जब तक ये अच्छा है। हाँ, हमें जाकर देखना चाहिए। चाहे जो भी हो, हमें उन जानवरों से कोई वास्ता नहीं रखना है। इंसान के बच्चे का संगीत बजाओ। मजा आ गया, ये बहुत अच्छा था बाला। पर मेरी हालत तुम्हारी जैसी है, गले की आवाज गई। हुआ
सब लोग चले गए, लेकिन एक बार फिर से करें। ये वाकई बहुत अच्छा था और मैं फिर से तैयार हूँ। हम अब और नहीं गा सकते। शेर खान को सब्र करना पसंद नहीं है, इसीलिए अगर मैंने उसे बताया कि तुम इंसान के बच्चे को गुफा तक लाने की बजाय उसके साथ संगीत बजा रहे हो तो बकवास मत करो। बेकरार खुश रहोगे तो आएगा निखार। सिर्फ बंदर नहीं नाचते, हो के बेफिकर तुम भी जश्न मनाओ झूम झूम कर। मेरे पास एक और आइडिया है, तुम जाकर मोगली से मिलो और उससे कहो कि हमारे पास एक गाना है लेकिन एक और रहेगा तो अच्छा होगा। ए मोगली, क्या तुम्हें पता है सब जगह तुम्हारे बारे में बात हो रही है, यहाँ तक पहाड़ी के उस तरफ भी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ध्यान नहीं दिया लेकिन पहाड़ों के कुछ पंछियों ने तुम्हें गाते हुए सुना और उन्हें ये पसंद आया। अब उन्होंने तुम्हारे लिए एक दावत रखी है ताकि तुम वहाँ आकर उनके लिए गाओ। हाँ बिल्कुल। मेरा भरोसा चाहे मत करो लेकिन तुम्हारे पास हुनर तो है, बड़ी जल्दी ही सबने तुम्हारे बारे में बात करना शुरू कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है? मेरे हाथ जेली जैसे हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा। वैसे वहाँ नहीं जाना बड़ी शर्म की बात होगी, इसके अलावा तुम और मैं साथ जा सकते हैं, उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। ये तो सच है कि बहुत अच्छा मौका है, इसके अलावा मुझे गाना बेहद पसंद है। मैं जाकर हमारे ग्रुप को पेश करता हूँ, फिर हम सब वहाँ जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, तुम्हें एक अच्छे रिदम सेक्शन की जरूरत है। नहीं तुम थक गए होगे, तुम बाद में चल लेना। जरूर, लेकिन ग्रुप को असल में मैंने बनाया है, मोगली के साथ जिसने थोड़ी बहुत मदद की। तुमने सही कहा रिकी, अकेले मुझे ही मशहूर नहीं होना चाहिए, चलो। वो बेवकूफ बच्चा इतने आसान चाल में भी फंस गया। हमें बस पहाड़ी के नीचे उसका इंतजार करना है। हेलो इंसान के बच्चे, क्या तुम हमारे साथ एक जैम सेशन करोगी? तुम तो सिर्फ बाकी बंदरों के साथ रहना चाहते थे ना? वो माशा थी जो तुम्हें आने नहीं देना चाहती थी, हम तो चाहते थे। ये लोग अपना मन बहुत जल्दी बदल लेते हैं जैसे केले बदल लेते हैं, हमें इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि संगीत के मामले में ये सिर्फ नौसिखिए हैं। क्या इसे नौसिखिया कहोगे? इस बार तुम कामयाब रहे टबाकी। संगीत तुम्हारे लिए सबसे पहले था ना? मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो इंसान के बच्चे, क्या तुम अपने आखिरी कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो? शाबाश रुकी, उसे दिखा दो तुम अपनी ड्रम स्टिक से क्या कर सकते हो। दर्शकों के लिए रिहर्सल करनी चाहिए जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। कल्लू ने झूठ कहा था, वहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा। मुझे पता था ये जरूर कोई जाल है, मैं तो शुरू से नाटक कर रहा था। कोई भी रिकिटी की टावी को बेवकूफ नहीं बना सकता। मतलब हमारा संगीत कुछ खास नहीं है? तुम तो वाकई बहुत अच्छे और बहुत ताकतवर हो। और अब माशा ने अपना इरादा बदल लिया है और वो चाहती है कि तुम हमारे साथ पार्टी करो। पार्टी टाइम है जंगल में, मजे कर रहे तो सारे, चलो सब ताली बजाओ, नाचो तुम और गाते जाओ। पार्टी टाइम है जंगल में, चलो सब मिलकर नाचे जाओ, चलो सब ताली बजाओ, डांस करो ताल से ताल मिलाओ। हे यो, चलो सब मिलकर, हे यो, चलो सब मिलकर, हे यो, चलो सब मिलकर, खुशियां मनाए सब मिलकर। फर को चमकदार बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता मोगली के फर को इसकी जरूरत है। बलू, मुझे जरूरत है मच्छरों से बचने की, इस गुफा के मच्छर तो वाकई दरिंदे हैं। हाँ, फर होने का यही तो एक फायदा है। हमने काफी सारे जमा कर लिए हैं बघीरा, और मैं इन मच्छरों से तंग आ चुका हूँ। मोगली, मुझे माफ करना, ये इन मच्छरों की वजह से हुआ है, ये वाकई जंगल की सबसे खराब प्रजाति है।
नहीं मोगली, मच्छर जंगल में बहुत काम आते हैं क्योंकि पंछी और चमगादड़ इन्हें खाते हैं। तुम्हें इन्हें झेलना सीखना होगा। खैर, सबसे बुरी प्रजाति है मगरमच्छ, क्योंकि उन्हें कोई नहीं खाता। हो सकता है बघीरा, लेकिन मगरमच्छ उन मरे हुए जानवरों को खाते हैं जो नदी को प्रदूषित करते हैं। एक मिनट, मैं जानता हूँ, सबसे बुरी प्रजाति है टाइगर, खास करके शेर खान। नहीं नहीं, टाइगर भी सबसे बुरी प्रजाति नहीं है। तो कौन है, तुम ही बताओ। सबसे बुरी प्रजाति है एक इंसान। नहीं, वो नहीं है, वो बस एक बंदर है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता मोगली, लेकिन सबसे बुरी प्रजाति इंसान ही है। वो जंगल के किसी काम के नहीं है और अपनी बंदूकों से सबको डराते हैं। ये सच है, जब उनके पास बंदूक होती है तो शेर खान भी उनसे डरता है। खैर, यहाँ कुछ खास सफाई नहीं है। तुम तो एक लंगूर हो, हिमालय का बंदर, तुम पहाड़ों से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे एक गर्म जगह की तलाश है जहाँ मेरे लोग सर्दियाँ बिता सके। इस वक्त पहाड़ों में कड़ाके की सर्दी है, हम तो यहाँ बिल्कुल नहीं आने वाले। यहाँ सड़े हुए मशरूम की बदबू आ रही है और मच्छर भी बहुत ज्यादा है। मैं भी इनसे यही कह रहा था। क्या तुम्हें कोई अच्छी जगह मालूम है? मेरे ख्याल से जंगली जानवरों के लिए ये सवाल बड़ा पिछड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ आओ इस तरफ। क्या सभी लंगूर ऐसे ही नौटंकी होते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? कफाल। ये है बलू और ये बघीरा। हाँ जो भी, उम्मीद है तुम्हारी ये जगह बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा, इसका नाम क्या है? ये हिमालय की नाशपाती है, हमारे घर में ये बहुत सारी है, हम यही खाते हैं। दिखने में अच्छा लग रहा है, क्या मैं चख के देखूं? मुझे नहीं लगता तुम्हारी जीभ इसके स्वाद को समझने के लायक भी है। स्वादिष्ट है। बेशक ये स्वादिष्ट है, एक लंगूर यूं ही कुछ भी नहीं खाते। लंगूर यूं ही कुछ भी नहीं खाते, ना 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 ना। वो रहा, वहाँ तुम्हें रहने की जगह जरूर मिल जाएगी। अच्छा आइडिया है मोगली, बंदरों के रहने के लिए दूसरे बंदरों के रहने की जगह से बेहतर क्या होगा भला? दूसरे बंदर? ओहो, ये कैसी गंदी जगह है। और ये गमार कौन है? बंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यहाँ की बॉस मैं हूँ, ये मेरा है। परमाशा, ये कोई टोपी नहीं है, ये गुलदस्ता है। मेरा कबीला ऐसे कबाड़ खाने में इन आदि मानवों के साथ कभी नहीं रहेगा। ये यहाँ रहने की बात करने वाला कौन होता है? ये हमारा घर है और हम इसे बांटना नहीं चाहते। इजाजत चाहूंगा गफार। तुम पहले ही ले चुके हो। ये तो बहुत अच्छा है। अगर लंगूरों की टोली यहाँ आई तो वो सिर्फ सर्दियों में ही यहाँ रहेंगे, अपने साथ वो बहुत सारे फल लेकर आएंगे। तुम उन्हें कुछ फल दोगे ना, अगर ये जगह साफ सुथरी रही तो, है ना? तुम्हारे पास ये जगह है या फिर मच्छरों और बदबू से भरी गुफा? हम अपनी नाशपातियाँ तुम्हारे साथ बांट सकते हैं, लेकिन तभी जब सब कुछ साफ सुथरा होगा। ठीक है, हम इस गंदगी को साफ कर देंगे और बदले में मैं कह रहा हूँ बंद करो। वेल लंगूर, क्या ख्याल है तुम्हारा?
तुम बस यही कर सकती हो। अरे वाह, तो क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए महल तैयार करें? यहाँ अभी भी बहुत सारी मिट्टी है, ये नहीं चलेगा। क्या? जमीन मिट्टी से ही बनी है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा जंगल इन नक्चढ़े लंगूरों के लिए नहीं बना है। तुमने सही कहा बघीरा। मोगली, क्या तुम आ रहे हो? नहीं। चलो, बंदरों का घर तो साफ हो गया, आज के लिए इतना काफी है। मोगली लंगूर के साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं। मोगली एक लंगूर, मैं अपना वक्त उनके साथ बर्बाद नहीं करूँगा। खफाल, तुम्हें समझना ही होगा, इससे बेहतर जगह कहीं नहीं मिलेगी। क्या आप कोई आराम से सो भी नहीं सकता? मैं इस कचरे के ढेर में एक पल भी और नहीं रुकना चाहता। तो जाकर मगरमच्छों से पूछो कि वो तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। टैट टैट, वहीं रुको। हुँ? मुझे लंगूर पसंद है नाश्ते के रूप में। यहाँ ऐसे खड़े मत रहो बेवकूफ। मुझे पता है हम कहाँ छुप सकते हैं। मेरे साथ इसे धकेलो जल्दी। मुझे यहाँ से ताजा मांस की खुशबू आ रही है। माफ करना शेर खान, तुम्हें आज भूखा सोना पड़ेगा। ये जगह भी बहुत गंदी है। हे सुनो मिस्टर परफेक्ट, बुराई करने की बजाय क्या तुम कभी अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कह सकते हो? ये निर्भर करता है, बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? नहीं। मैंने सुन लिया, मेरे पास काफी वक्त है और मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारा वक्त आ गया। अगर मैं एक इंसान होता, मैं तो सच में एक इंसान हूँ, एक खुफिया दरवाजा जरूर बनाया होता। मिल गया। हम बच गए और अब हमें शेर खान से छुटकारा पाना होगा। इंसानों के खजाने के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है ना मार्शा, इसे सर पर रखा जाता है। तुम इंसानों की तरह दिखना चाहती हो लेकिन एक गवार बंदर से ज्यादा कुछ नहीं हो। इंसान की तरह दिखना, हम ऐसे पीछा छुड़ाएंगे शेर खान से। ये फल तो स्वादिष्ट है। अभी भी तुम्हें अपने मैनर्स याद नहीं है। कितना स्वादिष्ट है, शुक्रिया माशा। उसकी कोई जरूरत नहीं। लो, अब तुम दोस्त बन गए हो, तुम दोनों मिलकर एक बढ़िया इंसान बन सकते हो। तुम्हें लगता है इतना काफी होगा सिर्फ इंसान की चीजें पहनना? शेर खान समझ जाएगा कि ये हम ही हैं। ऐसा नहीं होगा अगर हम मामले पर थोड़ी मिट्टी डाल दें। महाराज, मुझे टाइगर के पैरों के निशान मिले हैं। इंसान? वो हमसे बचकर नहीं जा सकता, गोली चलाओ। बदमाश इंसान। तो तुमने देखा मिस्टर परफेक्ट, मिट्टी कितने काम की चीज होती है। मैं अपने कबीले वालों से बात करके जल्द ही वापस लौटूंगा हिमालयन नाशपातियों के साथ। बघीरा और बलू अपने कर्तव्य दिखा।